नंबर वन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को बैन करने का फैसला लिया है। फिलहाल अभी ये मुद्रा वैध बनी रहेगी। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को यह सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट जारी करना बंद कर दें। साल 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नया नोट लाया गया था। देश में नोटबंदी करने के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। इसके बदले में 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए थे, लेकिन 6 साल के बाद ही 2000 के नोट को मार्केट से वापस ले लिया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। नंबर टू, 11 जून 1855 को दुनिया की पहली प्रोफेशनल कार रेस हुई थी। इस रेस में पहले नंबर पर एमिले लेवासर पहुंचे थे, जिन्होंने 48 घंटे 47 मिनट में 1178 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन उन्हें विजेता नहीं माना गया था। दरअसल ये रेस 4 सीटर कार की थी, लेकिन लेवासर 2 सीटर कार में सवार थे। आधिकारिक तौर पर रेस का विजेता पॉल क्वेसलिन को घोषित किया गया था, जो रेस में 3rd स्थान पर आए थे। नंबर थ्री, नेकचंद सैनी चंडीगढ़ के प्रसिद्ध एक रॉक गार्डन के शिल्पकार थे। यह गार्डन 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी खासियत यह है कि कूड़े, कंकड़, सिरेमिक, प्लास्टिक बोतलों और पुरानी चूड़ियों से और पुराने टाइल्स आदि की मदद से बनाया गया है। साल 1984 में इसके रचयिता नेकचंद सैनी को भारत के 4th सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नंबर फोर, होवरक्राफ्ट हवाई गद्दों वाला एक ऐसा वाहन है जो जल और जमीन के साथ साथ बर्फीली सतह और कीचड़ पर भी आसानी से दौड़ सकता है। इसका आविष्कार ब्रिटेन के इंजीनियर सर क्रिस्टोफर कॉर्कलेन ने किया था। होवरक्राफ्ट ने अपना सफर 11 जून 1959 को शुरू किया था और अब यह दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। नंबर फाइव, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था, वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था। पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई थी।